विष्णु, आओ, इन तुच्छ देवताओं की तरह तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं अमर हूँ। मामा श्री स्वयं चले गए। अब महिषासुर का अंत होना निश्चित है। आओ आओ विष्णु, आओ। किंतु आने में बड़ा विलंब कर दिया तुमने। अब जब आ ही गए हो तो तनिक क्रीड़ा भी कर दिखा ही दो। किंतु हाँ, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ही प्रयोग करना और स्मरण रखना, तुम्हारे कोई अस्त्र काम नहीं आएंगे, सारे के सारे व्यर्थ हैं। ये तुच्छ देवता, ये मुझे कभी परास्त नहीं कर सकते, किसी भी मूल्य पर नहीं। ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा महिषासुर। संचालक धर्म रक्षक श्री नारायण की जय। श्री नारायण की जय। श्री नारायण की जय। महिषासुर का अंत हो गया। अब मां शीघ्र ही कैलाश लौटेंगी। विष्णु, तुम भी नहीं मार सकते मुझे। इतिहास में सुदर्शन चक्र से अधिक घातक और कोई अस्त्र नहीं है, पर ये महिषासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का संहार कर पाएगा ना, या फिर ये भी। ए विष्णु, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र मेरे समक्ष नतमस्तक होगा, और यही इसकी नियति है। दम की अति से अपनी सहज बुद्धि भी खो चुके हो तुम। अब ये सुदर्शन चक्र ही तुम्हें तुम्हारी विलक्षणता का आभास दिलाएगा।
रुक जाइए सखा। ब्रह्मदेव के वरदान के बाद किसी भी पुरुष के लिए इस दुष्ट के प्राण लेना संभव नहीं है। यदि आपके सुदर्शन चक्र से इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्मदेव के वरदान की महिमा भी भंग हो जाएगी। ये पापी अत्याचारी, फिर भी इसे जीवित रहना होगा। इस भेद को समझने में मुझे भी समय लगा सका, पर यही विधि का विधान है। पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। आप निश्चिंत रहें, ये संकल्प देवी पार्वती पहले ही ले चुकी हैं, और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो जल्द ही नया अवतार भी लेंगे। तब तो उनकी लीला देखने की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी सखा। चक्र ही नहीं, इस चक्र का स्वामी और ये तुच्छ देवता सभी भाग खड़े हुए। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं, मैं ही हूं सर्वशक्तिशाली त्रिलोक विजेता महिषासुर। जिस महिषासुर को त्रिदेव पराजित नहीं कर पाए उसका सामना एक स्त्री कैसे कर सकती है? देवी पार्वती केवल एक स्त्री ही नहीं, एक माँ भी थी, और एक माँ अपनी संतान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो तो जगत जननी है, उन्होंने पल भर में महिषासुर का संहार कर दिया होगा, है ना प्रभु? जो सरल दिखता है वो करने में भी सरल, ये आवश्यक नहीं है सुपन। अभी तो माँ की लीला केवल आरंभ हुई, उनका उद्देश्य केवल एक राक्षस को मारना नहीं था बल्कि उस विचारधारा का संहार करना था जो स्त्रियों को निर्बल और अक्षम समझती। मां की इस लीला में भागी बन ऋषि कात्यायन जो कन्याओं को आदि शक्ति का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे और एक बहुत लंबे समय से पुत्री प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रहे थे। आपकी तपस्या पूरी हुई ऋषिवर, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं,
वरदान मांगिए। माँ, परसों से मैंने एक ही स्वप्न देखा, आपको पुत्री के रूप में पाने का स्वप्न, आपको पुत्री के रूप में दुलार करने का स्वप्न। माँ, पुत्री के रूप में मेरे यहां अवतार लीजिए और कन्या के रूप में स्त्री शक्ति के सामर्थ्य को इस संसार के सामने उजागर कीजिए। माँ, तथास्तु। पिताजी, प्रणाम पिताजी। माँ, आपने हमें धन्य कर दिया। माँ, माँ, पर मैं तो आपकी पुत्री हूँ पिताजी। पुत्री? हाँ पुत्री, मेरी पुत्र। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना पिताजी। भूख लगी? बस अभी ले क्या। माँ, शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू, तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव हातिनी है माँ, तू ही दानव हातिनी। आपका धन्यवाद देवी। यदि आप और मैं एक दूसरे से दूर नहीं होते तो मैं आपके इतने मनोहरी स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाता। मैं कैसे व्यक्त करूं माँ कि आपका पुत्र होना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। आपके इस रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया माँ। अब सृष्टि के कल्याण का समय निकट आ रहा है, अब शीघ्र ही महिषासुर का अंत होगा। जाने दो, मुझे छोड़ो। ये पाप मत करो दुष्टों। चलो सुंदरी। देवराज इंद्र की पत्नी हूँ मैं, मुझे दूषित करने की चेष्टा मत करो। महाराज की चरण वंदना करो सुंदरी। इसका कोई प्रलोभन नहीं, मेरे निकट आओ शची, निकट आओ मेरे। नहीं, मुझे मत छूना।
मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता पत्नी का पति तो मेरा दास है, ये वही है ना जो तुम्हें एक असुर के समक्ष छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुझे स्वीकार कर लो और बन जाओ असुरों की पटरानी, भूल जाओ उस भगोड़े इंद्र को। कदाचित जीवन का आनंद तो भोग विलास में है। छी, निर्लज अधम दुष्ट, इतना बड़ा पाप करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, भूल गया कि तेरा जन्म भी एक स्त्री के गर्भ से हुआ है। बस! सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के समक्ष ऐसा अनर्गल प्रलाप उचित नहीं। तो मैं तुम्हें ज्ञात कराऊंगा क्या है महिषासुर। क्या हुआ, हैवेत हो गई? यही तो है तुम जैसी स्त्रियों की वास्तविकता। बड़े बड़े प्रवचन देती हो, आदर्शों के पाठ पढ़ाती हो, किंतु जब शक्ति और शस्त्र के समक्ष होती हो तो भयभीत हो जाती हो। तुच्छ अबला दुर्बल नारी। स्मरण रहे, महिषासुर की दया का सागर इतना गहरा नहीं कि तुम असुरों की पटरानी बनने के प्रस्ताव को बार बार ठुकराती रहो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। अब मेरी ये तलवार तुम्हें रक्त स्नान करवाएगी। स्त्री की मर्यादा लांघने का दुस्साहस मत कर महिषासुर। तुझे क्या लगता है दुष्ट कि तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता? स्त्री को अपना समझता है तू, मूर्ख? एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वरदान के कारण कोई पुरुष तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, पर तुझे मारने वाली कन्या जन्म ले चुकी है। तेरा काल निकट आ रहा है अत्याचारी, तीव्र गति से बढ़ रहा है तेरी ओर। तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव आदिनी है माँ, तू ही दानव आदिनी।